देवक। भगवान शिव को देवों के देव कहा जाता है। महादेव का एक रूप तांडव करते नटराज का है तो दूसरा रूप महान महायोगी का है। ये दोनों ही रूप रहस्यों से भरे हैं, लेकिन शिव जी को भोलेनाथ भी कहा जाता है। जहाँ एक साथ इतने सारे रंग हो तो फिर क्यों न अपनी जिंदगी में इन रंगों से प्रेरणा लें। भगवान शिव के जीवन से जुड़े कुछ सबक इस प्रकार हैं। 1. बुराई को खत्म करना। ब्रह्मा जी को उत्पत्ति के लिए, भगवान विष्णु को पालनकर्ता के लिए और महादेव को विनाश के लिए जाना जाता है। भगवान शिव का ये रूप आपको डराने वाला लग सकता है, लेकिन किसी बुराई का खत्म होना बेहद जरूरी होता है और भगवान शिव इसी के लिए जाने जाते हैं। किसी भी बुराई को समाप्त करने के लिए काल के भी काल महाकाल शिव को जाना जाता है। 2. शांत रहकर स्वयं पर नियंत्रण रखना। भगवान शिव से बड़ा कोई योगी नहीं हुआ। किसी परिस्थिति से स्वयं को दूर रखते हुए उस पर पकड़ रखना आसान नहीं होता है। महादेव एक बार ध्यान में बैठ जाए तो दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन उनका ध्यान कोई भंग नहीं कर सकता। शिव जी का ये ध्यान हमें जीवन की चीजों पर नियंत्रण रखना सिखाता है। जीवन में चीजों पर नियंत्रण रखना महादेव शिव से सीखना चाहिए। 3. नकारात्मक चीजों को भी सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना। समुद्र मंथन से जब विष बाहर आया तो सभी ने कदम पीछे खींच लिए थे, क्योंकि विष कोई नहीं पी सकता था। ऐसे में महादेव ने स्वयं विष हलाहल पिया और उन्हें नीलकंठ नाम दिया गया। इस घटना से बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हम भी जीवन में आने वाली नकारात्मक निगेटिव चीजों को अपने अंदर रख ले, लेकिन उसका असर न खुद पर हावी होने दे और न ही दूसरों पर। ये हमें जीवन में नकारात्मक चीजों को सकारात्मकता में परिवर्तन का दृष्टिकोण भी भोलेनाथ महादेव से सीखना चाहिए। 4. जीवन साथी के प्रति सम्मान। शिव जी का ये रूप जग जाहिर है। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से निपुण जीवन साथी परफेक्ट पार्टनर महादेव को ही माना जाता है। अगर माता पार्वती ने उन्हें मनाने के लिए सालों की तपस्या की है तो दूसरी ओर शिव जी ने उन्हें अर्धांगिनी बनाया है। तभी तो 33 कोटि देवताओं में शिव जी को ही अर्धनारीश्वर कहा जाता है। माता पार्वती के प्रत्येक इच्छा का सम्मान करना और उस इच्छा को पूर्ण करना ये दर्शाता है कि भगवान महादेव सर्वोत्तम जीवन साथी है। और प्रत्येक दंपति को गौरी शंकर से सीख लेनी चाहिए कि अपने जीवन साथी का आदर सम्मान करना चाहिए। 5. हर समय समान भाव रखना। महादेव का संपूर्ण रूप देखकर यह संदेश मिलता है कि हम जिन चीजों को अपने आसपास देख भी नहीं सकते, उन चीजों को महादेव ने बड़ी आसानी से अपनाया है। तभी तो उनकी शादी पर भूतों की मंडली पहुंची थी। शरीर में भभूत लगाए भोलेनाथ के गले में सांप लिपटा होता है। बुराई किसी में नहीं होती, बस एक बार आपको उसे अपनाना होता है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि किसी में भी बुराई देखने की बजाय अच्छाई देखानी चाहिए। कहने का अभिप्राय यह कि मन का भाव समान रखना चाहिए। 6. तीसरी आंख का खुलना। शिव जी को त्रयंबक भी कहा गया है, क्योंकि उनकी एक तीसरी आंख है। तीसरी आंख का मतलब है कि बोध या अनुभव का एक दूसरा आयाम खुल गया है। दो आंखें सिर्फ भौतिक चीजों को देख सकती हैं, लेकिन भीतर की ओर देखने के बोध से आप जीवन को बिल्कुल अलग ढंग से देख सकते हैं। इसलिए बनी बनाई चीजों पर चलने से पहले स्वयं उनके बारे में सोचें और समझें। 7. अपनी राह चुनना। शिव जी की जीवन शैली हो या उनका कोई अवतार, वे हर रूप में बिल्कुल अलग हैं। फिर वो रूप तांडव करते हुए नटराज का हो, विष पीने वाले नीलकंठ अर्धनारीश्वर या फिर सबसे पहले प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ का, वे हर रूप में जीवन को सही राह देते हैं। वैसे तो सभी भगवान महादेव भोलेनाथ शिव शंभु के आदर्शों से परिचित होंगे ही, क्योंकि सभी देवों के देव महादेव से अवगत है और अधिकतर तो महादेव शिव के अनन्य भक्त भी होंगे। जैसे महादेव के आदर्श है, वैसे ही महादेव की भक्ति करना भी जीवन के स्तर को उज्जवल बनाने वाला है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान महादेव ने इतने सुंदर आदर्श मानव जीवन के लिए प्रस्तुत किए हैं, तो उनकी भक्ति करना तो मानव जीवन के लिए अमृत के समान है। तो महादेव का नाम लेते रहे और उनके आदर्शों को जीवन में अपनाते रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी के स्नेह प्यार के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।